हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी हम लोग उठ चुके हैं और मैं ले रही हूँ बाहर के वेदर का मज़ा, क्योंकि बहुत अच्छा हो रहा है वेदर। हमारी जो होटल है वहाँ से इतना अच्छा व्यू है चारों तरफ, और एक एक करके सब रेडी हो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना मेरे साथ ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ। इसलिए चलो थोड़ी देर यहाँ पर ही बैठूँगी, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करके जाने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने कल नाइट शो ही देखा था वहाँ पर। और अभी डे में हम जाएंगे, फिर हम लोग निकलेंगे। पता नहीं अब कहाँ निकलेंगे, कहीं और भी प्लान हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं है अभी तक। पर यहाँ पर स्टे बहुत अच्छा रहा, और पूरी रात या जब से आ रहे तब से इतनी शानदार हवा चल रही है, यानी नॉन स्टॉप। ये जो पत्ते वगैरह हिल रहे हैं ना, ये थोड़े ही हिल रहे हैं अभी, तो ऐसी धमाकेदार हवा चल रही है। और हम लोगों ने गार्डन में बैठ के कल रात को चल गया था, बहुत मज़ा आया था। मैं थक गई थी इसलिए ब्लॉग का एंड भी इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाई थी, क्योंकि हमको फिर जाना था डिनर करने के लिए। इसलिए तो चलिए अब बने रहिए हमारे साथ। अभी हो रहा है मेरा मिशेल का सिटी है, यूज़ कर रही हूँ मैं मेरी सनस्क्रीन मिशेल की, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि इसके इससे फेस पे एकदम ग्लो ग्लो हो जाता है। बिल्कुल लेनी है इतने अमाउंट में। मस्त हवा चल रही है, उसके साथ यूज़ करना अपना फेवरेट प्रोडक्ट सोने पे सुहागे वाली बात है। और बस यही है मेरे फेस पर लगाने के लिए। मैं मेकअप कुछ भी लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, प्लस मुझे यूज़ करना ही नहीं था। ओनली फॉर मैं लिपस्टिक लेके आई हूँ शुगर की, और मेरी काजल लेके आई हूँ, जो कि मैं लगा नहीं रही हूँ। क्या पता क्यों नहीं लगा रही हूँ, ओनली फॉर लिपस्टिक ही लगा रही हूँ। और कल के व्लॉग में आपने देखा होगा जो मैं शेड लेके आई हूँ, एक और शेड लेके आई हूँ, हो सकता है मैं आज वो यूज़ करूँ। पर चलिए देखते हैं कौन सा यूज़ करूँगी। ये तीनों चीज़ें हैं जो मैंने यूज़ की है। फर्स्ट टोनर है, सेकंड है पेडिडेन हाइड्रेशन क्रीम, एंड थर्ड है SPF। और फेस वॉश भी यूज़ किया है मिशेल का ही, जो है पपाया, पूरा छोटू लेके आई हूँ मैं। ये है फेस वॉश, छोटी सी क्यूट सी पैकेजिंग में, ये मेरे लिए ही है सिर्फ। कौन सी लिपस्टिक है? शुगर की क्रेयॉन लिपस्टिक है। हाँ, यही कलर परफेक्ट है। ये लिपस्टिक भी मुझसे लगवाती है। इतना जुल्म है इस बेचारी औरत पे, पूरी नहीं लगाई है अभी, बीच में बाकी है। लिप लाइनर भी लाई हूँ मैं शुगर की, ये वाली लिप लाइनर है, बहुत अच्छा शेड है इसका। हम हो चुके हैं रेडी, और जैसे कि आप देख सकते हो रूम की क्या हालत है, सब लगभग समेट दिया है, कुछ कुछ चीज़ें बाकी है तो वो रीचेक कर रहे हैं, टॉवल लेना बाकी है, टॉवल देख लिया। तो चलिए चलते हैं, देर बाद दिखाएंगे आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और ड्रोन भी उड़ाने की कोशिश करनी है वहाँ पर, परमिशन नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, तो हम परमिशन लेने की कोशिश करेंगे, अगर मिल जाती है तो ऑब्वियस उड़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर करके बैठ के कर रहे हैं मम्मी सेवा। ये हो गई है बिना दी कंप्लीट रेडी। हम अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, दलियो खावा। दलिया मिलेगा, बहुत ही अच्छा शॉट आ रहा है। थोड़ा चिकू ले रहे हैं ब्रेकफास्ट, अब मैं भी मेरा ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। ये है हमारा ब्रेकफास्ट, और यहाँ पर हम सब जने ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, और ब्रेकफास्ट में इतना कुछ भी दम नहीं था, मज़ा नहीं आया। बिस्किट अच्छे थे बस, बिस्किट ही अच्छे थे, बाकी सबसे गंदी थी कॉफ़ी, सबसे गंदी। पोहो में भी मज़ा नहीं था, टेस्टी नहीं था इतना, जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई। और सैंडविच थे हमको नहीं थी। हाँ बिल्कुल, सैंडविच थे खत्म हो गए और अंदर पड़े हुए थे। हमारा जो ब्रेकफास्ट का मील था वो हमको प्रॉपर मिला ही नहीं, और आज का दिन पता नहीं कैसा जाएगा। वही तो, बनाना खा के हमने पेट भरा है, और अब निकल रहे हैं हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। बैग में डाल दी, झूठे। ये जो बैठ रहे हो, बैठेंगे ना पीछे। इस जगह का नाम है राजपिपला, इधर हम इस रिसोर्ट में रुके थे, और हमने कर लिया है चेकआउट। अब जा रहे हैं हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जैसे कि
बहुत ही लंबी लाइन में हमको लगना है अभी, जैसे कि आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है। लाइन चालू हो गई है, कब तक चलती है देखते हैं आगे, क्योंकि गर्मी भी लग रही है। हाँ आज मौसम इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा गर्मी लग रही है, बाकी दो दिन इतनी गर्मी नहीं लगी थी, आज उमस है बहुत ज़्यादा। आ गए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कंपार्टमेंट के अंदर, फाइनली कैमरे का इशू हुआ ख़त्म, क्योंकि कैमरे का बैग अलाउ नहीं था और ड्रोन का भी बैग लेके आए थे और हमारे पास परमिशन नहीं थी ड्रोन उड़ाने की, इसलिए ड्रोन भी नहीं उड़ा पा रहे थे, तो दोनों रखवा दिए कार में और हम अब खाली हाथ जा रहे हैं। सिर्फ एक व्लॉगिंग कैमरा है और फोटोग्राफी का कैमरा है, पर जो पूरी किट थी वो रखवा दी है। चलो कोई बात नहीं, अभी इंजॉय करेंगे और अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। हाँ ड्रोन शूट लेने स्पेशल आएंगे और वो भी परमिशन के साथ। आ जाइए इसमें, आ जाओगे बिना दी इसमें, आ जाओगे फंसोगे नहीं। हमारा पति आ गया। यहाँ पर होगी हम तीनों लेडीजों की चेकिंग, जो भी नॉर्मल है फैसिलिटी जो इनका। हाँ यहाँ पर हम सब का फोटो शूट है वो हो गया है। हम ऑटोमेटिक आगे जा रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, यहाँ पर फुल हवा है। हाँ होटल में भी फुल थी, यहाँ पर भी फुल है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के व्यू को सब जने एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ज़्यादा हाथ सैनिटाइज कर। हाँ यहाँ से हुई है हमारी एंट्री। और बहुत ही शानदार बनाया हुआ है, यानी अभी तक तो हम सिर्फ नीचे हैं, अब ऊपर जाते हैं वहाँ का भी व्यू आपको दिखाएंगे। आ जाइए इनकी छोटी प्रतिमा के पास जाते हैं, बड़ी है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत छोटी है ना, पर छोटा डेमो अद्भुत है, अद्भुत। सब जने लगे हैं लाइन में, अभी हम जा रहे हैं ऊपर, बहुत जबरदस्त बनाया हुआ है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल का यहाँ पर पूरा इतिहास भी साथ साथ में दर्शाया गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ है, एक एक चीज़ वगैरह सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक बार आप ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि आपको लगेगा कि सच में इंडियन होने पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। इंतज़ार की घड़ियाँ हुई समाप्त, अब लिफ्ट में जाने का टाइम आ गया है, कब से खड़े लाइन में पैर दर्द होने आ गया है। हाँ बिल्कुल, आप थोड़ा अंदर तो जाएंगे, उस तरफ जाएंगे, उस तरफ जाएंगे। हमारी सबकी
एंट्री हो गई है लिफ्ट के पास में, अब बैठेंगे हम लिफ्ट में और लिफ्ट पे आपको दिखाएंगे जो इतनी ऊपर जाने वाली है। बैटरी कर देती हूँ चेंज क्योंकि हो गई है लो। अभी मुझे ये बिना दीदी और चिकू दोनों परेशान करके बोल रहे हम तेरे को पैसे देंगे तो एक घंटे तक चुप रहे। फिर मैंने बोला कि ब्लॉग कैसे करूँगी, तो फिर बोलते कि ब्लॉग कर सकती है पर बाकी चुप रहे। तो मैं एक घंटे तक नॉन स्टॉप बोलूँगी, मेरी ब्लॉगिंग भी हो जाएगी और मैं चैलेंज भी जीत जाऊँगी। पर मैं चुप नहीं रह सकती, पैसे तुम ले लेना मुझसे। हाँ टेक अंदर मेंटेनेंस के लिए अंदर जाते हैं। सेकंड में हम 48 फ्लोर पर आ चुके हैं। नहीं, बिना जी को सीढ़िया चढ़ के ही बुलाना पड़ता। ये है बालकनी। अब ये बालकनी कहाँ से दिखती है? बहुत जबरदस्त की ऊंचाई पे हैं हम अभी। हेलो मैडम, ये सब लसे हैं उनकी, अमृत अमृत पेट के। हम आ गए हैं नीचे, अब जा रहे हैं बाहर, देखते हैं अब कुछ खाते पीते हैं, भूख भी लग गई है इसलिए। यहाँ पे कैंटीन है क्या? संवैधानिक ढांचा। सही में डैमेज करने पे बहुत रहते हैं, यूँ नहीं समझते इतनी जोरदार चीज बनाई हुई है। एक अलग देश बनावाना अने पाकिस्तान की स्थापना करवाना तेमना एजेंडा माटे। मैं थक गई हूँ बहुत चल चल के, बहुत बड़ा है। नहीं हम तो थके ही नहीं, मैं ज़्यादा थक गई। तुमने क्रॉक्स के जूते पहने, मैंने भी स्लीपर पहने थे। मैंने सबसे पहले यातोड़ा या CMO ऑफिस को डायरेक्ट पोस्ट में आया, उनका नाम भी नहीं लिखा है, कौन सा गांव भी नहीं लिखा है। पोस्ट ऑफिस से पता चला वो झारखंड राज्य से आए, इसीलिए लिखा है अननोन फार्मर ऑफ झारखंड लिखा है। 2013 में गुजरात राज्य का CM है मोदी जी ने रवाना करने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी का लोगों का फ्लैगिंग किया है। वो 2017 में रन फॉर यूनिटी का कैंपेन का फोटो है। आपको पीछे चला म्यूजियम, यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा पूरा सर्किल मारने। निकल गए हैं हम स्टैचू ऑफ यूनिटी से, अब जा रहे हैं बाहर, और बाहर है जोरदार वाली गर्मी, भयंकर। आज मौसम थोड़ा सा खुल गया है। क्या हुआ? मम्मी गिर गई। दो सीढ़ी पे एक पैर रखने, लगा खिला है।
પકડી ના મમ્મી હાથે પાય હું ને બે તો પકડી લેવાનું ઉપર નીચે કર દો પેર और साड़ी में क्या डर रहता ही है, फंस जाती है साड़ी। ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास में आ गए और नीचे लो पीछे पीछे और थोड़ी थोड़ी शावरिंग भी हो रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे आपको कैसा लगता है यहाँ पे ड्यूटी करने का? बहुत अच्छा है। आप मैंने लोगों से मिलते हैं, रोज देखते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कोविड के रूल्स फॉलो करने के लिए, ये सब कैसी ड्यूटी रहती है आपकी, क्या टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग्स है मेरा 11 बजे से 8 बजे तक है। 11 बजे से क्या नाम है आपका? जसवंत भाई। अच्छा, आप कहाँ से हैं, कौन सा गाँव से? यहीं पास में से। अच्छा अच्छा, मेरा गाँव का नाम। वेरी गुड, आपको अच्छा लगता है यहाँ पे? हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलते हैं, चलिए चलते हैं। हमारा फोटो नहीं पकड़े थे, विजय ने पकड़ कर लाए थे। मेरे कैमरे का भी जरूर खर्चा रहता। संडे इसलिए इतने ज्यादा लोग आए हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर और मस्त मजा था। और वेदर भी इतना अच्छा हो गया, पूरे दिन से इतनी गर्मी लग रही थी और अचानक से हो गए बादल और बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल गर्मी जैसा नहीं लग रहा है, हल्का बहुत लग रहा है, जो पूरे दोपहर में लग रहा था वैसा नहीं लग रहा है। और अब हम सबको लग गई है बहुत भूख, अब जाते हैं कुछ खाते हैं। अब यूं ही पूछूंगी कैसा लगा बताओ, कितनी कितनी थकान लगी है? थकान तो बहुत लगी, पैर कब से मैं क्रॉस करके खड़ा हूँ, एक पैर को रिलैक्स, दूसरे पैर को। चलो सैनिटाइज करवा दो हैंड्स को, अपन करवाना अच्छे से कराना इसके। क्यों हो चुके हैं अब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से रिटर्न, अब जा रहे हैं हम दूसरी जगह पर, शायद जो डैम है वहाँ पर जा रहे हैं। अब उस डैम का क्या नाम है वो मुझे परफेक्ट पता नहीं है, जिया जी से पूछ के बताऊंगी, जिया जी को सब पता है इसलिए। जिया जी डैम का क्या नाम है, डैम का क्या नाम है? सरदार सरोवर। सरदार सरोवर डैम पर जा रहे हैं, अभी आ गए हैं सब पे। क्या क्या खाएंगे सब में, आपको क्या खाना है? देख चलो, अच्छा कुछ मेन्यू हो तो जा रहा है। अभी हम लोग आए हैं स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने और हमने अभी खाने में लिया है सबवे का वेज मील, तो बस ये अभी जैसे ही कॉफ़ी आती है आपको बताते हैं। ये बिना दीदी को खाने हैं कच्चे कॉफ़ी के बीन्स, तो ये मंगवाए हैं स्टारबक्स से, तो देखते हैं कैसा लगता है इनको। स्ट्रॉ नहीं डालने क्या? ये हमारी गर्म कॉफी आ गई है, मेल्ट हो जाएगा ना स्ट्रॉ। खर्चे बांधूंगा, बांधेगा किसे? वो ग्लू है, ग्लू उसका क्या फिर? पापा तकलो टाइट बांध लिया कि ऑपरेशन करा पापा लेने चाहिए। ये राज्य केसरी जी जब तक रहेगा हमारा शूटिंग ए इधर इधर। हाँ
बेचारे बहुत लो हो जाएगी फोन भी आपके चार्ज। अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल सफारी और बस में बैठ गए तो दूर से भी ऐसा ही दिख रहा था। हम जंगल सफारी है आ चुके हैं और ये है इसका मेन डोर जो कि मैंने आपको बताया है और बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है। और ये दिखा देती हूँ पास में से जो जानवरों की मूर्तियाँ बनाई हुई है। चलिए आगे का दिखाते हैं आपको। ओ छोटे छोटे बंदर क्या वो गजब के हैं। पहली बार देखे पूरे भी चक्कर काट रहा है वो। मम्मी तो ये रमण बंद है बेगा जैसे यहाँ पर है लॉयन दिखेंगे तो नहीं वो एक ये राइए यहाँ पर बैठा हुआ है और एक यहाँ पर बैठा हुआ है। बिल्ली है बिल्ली। हाँ हम सिर्फ 20% ही यहाँ पे जंगल सफारी में घूम पाए क्योंकि सब जने बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो हमने डिसाइड किया कि अब हो जाते हैं रिटर्न। तो बस अब बस ड्राइवर को बोल दिया है ड्राइवर आ जाएगा बाहर। हाँ रिटर्न अब हो जाते रिटर्न। कैपेसिटी खत्म हो गई। कैपेसिटी टाइम हो रहा है चार। टाइम हो रहा है चार अब हम निकलेंगे। अब ऋषभ देव पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो पता नहीं है कितना ट्रैफिक मिलेगा। रात के तीन तो कहीं हाँ दो तीन कहीं नहीं गई है आज तो हम लोग अब निकल चुके हैं रिटर्न। बहुत अंदर हो गया पीछे। अब आप कुछ बोलिए। जिया जी कुछ बोलिए। पैसे वसूल नहीं हुए। 2400 रुपए मैंने फालतू दे दिए। मेरे को पूछ के फर्स्ट ब्रेक लिया है वो भी इतनी अच्छी जगह पे लिया है। ये सच में जोरदार जगह है। हम पहले सोच रहे थे ये लोग पागलों की तरह यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रख के क्यों खड़े पर हमने जो एक्चुअल व्यू देखा फिर हमको भी लगा हमको भी खड़ा रहना चाहिए और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। और हम भी पागल हैं हम भी खड़े हैं गाड़िया नीचे उतार रहे पर नहीं है लोग।
बहुत ही अच्छा व्यू था, फुल एंजॉय किया और अब हम निकल रहे हैं हमारे घर के लिए। मौसम हो गया है बहुत मस्त और अब हम रुके हैं हमारे डिनर के लिए किंगफिशर होटल में। के है वो साइलेंट हो गया बेचारा, किंगफिशर ही दिख रहा है। और राजस्थान बॉर्डर के अंदर आ चुके हैं, तो चलिए चलते हैं, फिर बाद में मिलेंगे। भूख लग रही है। अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है और इस होटल में खाना खाएगा। बहुत ज़्यादा खा लिया है और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी थी, मज़ा आ गया और खाना भी बहुत टेस्टी था। ओके बाय बिना दीदी। कैसी रही जर्नी अपनी साथ में? बताएंगे हमारी तो मज़ेदार रही। वाह भैया आते रहे ना, बिल्कुल जरूर इधर का रूट हो आना। कॉल करना पहुंचते में। बहुत थक गए, चलो अब रेस्ट करते हैं। थके तो बहुत, बैग ले लो। ले लिया? अच्छा लेने ही आ रही थी और इतने में वो हुआ। अभी हम घर आ चुके हैं और कंप्लीट लगेज है वो हमने उतार दिया है। जैसे कि घड़ी में बज रही है 12 और हमारे शक्ल भी की भी बज रही है 12, तो चलो इसे। हाँ हमारी भी बज गई है 12, देख सकते हो क्या हालत हो रही है सब। तो मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलूँगी और थक गई हूँ। मैंने जो भी 2-3 व्लॉग शूट किए हैं ट्रैवल के वो होते हैं अभी एंड, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है शूट करने का। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। बाय। नहीं देसी व्लॉग में मिलेंगे। चलो अब देसी व्लॉग में मिलेंगे, वागड़ी व्लॉग में।